स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाजर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बिहान योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में लोरमी क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने के लिए महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। इस समय लोरमी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहान योजना के तहत महिला स्वसहायता समूह का गांव-गांव में गठन किया जा रहा है। जब हम लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुछेल में बिहान योजना के द्वारा चलाई जा रही समूह नारी शक्ति स्वसहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती जलेश्वरी भास्कर से इसके बारे में जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि हमारे समूह को 2 साल पूरा हो चुका है और यह तीसरा वर्ष जारी है। हमारे समूह में कुल 10 सदस्य हैं और हम हर रविवार को बैठक करते हैं। साथ ही सभी सदस्य 10-10 रुपए प्रति सप्ताह जमा करते हैं। साथ ही यह भी उनके द्वारा बताया गया कि हमें इस समूह में रहने पर समूह में बैठक कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और जिस पैसे को बाहर से हम 4-5 रुपए ब्याज दर में उठाते हैं उसको इस समूह के माध्यम से 2 रुपए ब्याज के दर से उठा लिया जाता है। सर हम बैठा कर था ना, अभी तक कुछ लाभ नहीं मिले। 2 साल हो गए हमारे समूह जुड़े ना, सिखाई के ना, खाना उना बना के ना, अभी तक कुछ नहीं हमला मिले। अच्छा, कौन से वाले प्राइवेट समूह बनाए कि सरकारी समूह आप मन के जो शासन द्वारा चला थे बिहान योजना? सरकारी बिहान दल वाले। बिहान दल वाले समूह के नाम नारी शक्ति महिला समूह। 2 साल अभी तो कुछ साप्ताहिक बैठक। इसके साथ ही पैसे लेने और देने का काम भी समूह के अंदर ही रहता है और इस समूह के सचिव श्रीमती रंजीता बाई बांधी से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि इस समूह में बचत करने के साथ साथ हमें सीखने और पढ़ने को भी मिलता है। जैसे कि हम समूह में बैठक करते हैं तो सबसे पहले नियम होता है यू आकार का बैठक बनाना। प्रार्थना गीत से समूह का बैठक स्टार्ट किया जाता है, अपना अपना परिचय दिया जाता है और फिर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। साथ ही हिस्सा धान बचत का किस्त ब्याज वसूली किया जाता है तथा उस समूह के पुस्तक संचालक नाम का है। मोर नाम रंजीता बांधी, मोर समूह नाम नारी शक्ति महिला समूह। का पद्महा सचिव पद्महा कुछ नहीं मिले का? कुछ नहीं मिले अभी, लाभ नहीं मिली। श्रीमती जलेश्वरी भास्कर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि समूह में रहने एवं समूह संचालन के लिए 11 सूत्रीय नियमों का पालन अति आवश्यक है। जैसे कि नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आपसी लेन देन, नियमित ऋण वसूली, नियमित पुस्तक संधारण, स्वच्छ समूह, शिक्षित समूह, नशा मुक्त समूह, साथ ही स्वास्थ्य समूह, सुपोषित समूह, ग्राम सभा में सहभागिता। समूह के सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि समूह को 2 साल पूरा हो चुका है फिर भी अभी तक कोई भी सरकारी चीजों में काम करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जैसे कि रेडी टू सोसाइटी चलाना, मध्यान भोजन चलाना, मछली पालन, पशु पालन इत्यादि। तो का किए गेरी साहब, मतलब कि सरकारी योजना का लाभ मिली करके कुछ जन गठन कुछ लाभ नहीं मिले तो शासन से का मांग चाहता हूँ, का काम चाहता हूँ? सोसाइटियों पर मांग करे रहे, रेडी टू पर तलब करे रहे, अभी तक कुछ आपका दिन में कुछ हमारा लाभ ही नहीं मिले। तो अब शासन से चाहता हूँ कि लाभ मिले। ग्राम मुखेल के रहने वाला समूह नारी शक्ति महिला समूह में पद महा सदस्य, आज तक ले सरकारी योजना नहीं आए। इतने कई कई के सरकारी कई के दीदी मन आया कहे रही हमला तो कुछ लाभ ही नहीं मिलते, हमला सोसाइटी चलाह मध्यान भोजन चलाह वैसे की तो कुछ नहीं। हम बचत करथन 10-10 रुपया हर हफ्ता बैठक करथन। अच्छा, जैसे कि मैं बैठक करता हूँ, कितना जने आप मन सदस्य समूह में? 10 जने हो। तो एक कौन से टाइप से, जैसे कि आप मन है बाहर से 5 रुपये ब्याज में लेता तो यहाँ कितना रुपया ब्याज में उठा जाता? अपन 10 जन समूह बीच में 2-2 रुपये ब्याज करके अपने अपन उठाता। अच्छा, तो एक हर से लेन देन हर महीना में हुआ तरीके आप मन? लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाजर में। हमारा पता है सुर्री घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।